नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल इंडियन प्लंबिंग सर्विस में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जैसा ये आप देख रहे हैं, कॉमन बाथरूम की पाइप फिटिंग करने का जो सही तरीका क्या होगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सबसे पहले हम इस वॉल में मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पर हमारा डाइवेटर आने वाला है। दोस्तों मैं ये बताऊँगा कि फाइनल फ्लोर से स्पाउट का कितना हाइट होगा, डाइवेटर का कितना हाइट होगा, ओवरहेड शावर का कितना हाइट होगा। उस कॉर्नर में आप थोड़ा इधर आइए, आप उस कॉर्नर में देख रहे हैं, वहाँ पे हमारा आपका उड़ीसा देसी सीट उड़ीसा पेन है, वो वहाँ पे उड़ीसा पेन आएगा, यहाँ पे स्पाउट होगा और हेल्थ फोसेट भी वहाँ पे लगेगा। तो दोस्तों इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। क्लाइंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको चार इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। जो आप अपने घर में कौन सी पाइप का फिटिंग करवाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन गाइस आपको इसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो गाइस आपको कौन सी पाइप फिटिंग करवाना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आशीर्वाद, दूसरी नंबर पे आता है अस्टल, जो मैं इसका पूरा पाइप फिटिंग करूँगा, जिसमें गीजर का है। गीजर का फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, ग्राउंड फ्लोर पे उसका पूरा पॉइंट आएगा, एक जगह गीजर इंस्टॉलेशन होगा, सारा जगह पानी किचन हो और बाथरूम में चला जाएगा। तो आप सबसे पहली नंबर आशीर्वाद पाइप लगाएं, दूसरी सुप्रीम लगा ले, अस्टल लगा ले, फिनोलेक्स लगा ले। प्रिंस में गाइज हम ये नहीं बताएगा, अगर आपके मेरे बिहार में बहुत ज़्यादा प्रिंस का कंप्लेन है तो आप काम करें और घर में काम करवाएं तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। पहले हर प्लम्बर से नॉलेज ले ले, दुकानदार जो होलसेल वाले हैं वहाँ से पहले पता कर ले, पाइप के जानकारी ले ले। अगर नहीं समझ में आता है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कस्टमर केयर प्रिंस का और हर कंपनी का हम दे देंगे, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। दोस्तों गर्म पानी गाइस, अगर गर्म पानी का अगर आप काम करवा रहे हैं अपने बाथरूम में तो आप ज़रूर रखें, आप CPVC का काम ज़रूर करवाएं, ताकि आपका जो आपको एक नेक्स्ट वीडियो इसके लास्ट स्क्रीन पे लग जाएगा, वहाँ पे देख लीजिएगा गर्म पानी में UPVC पाइप फिटिंग करने के बाद क्या हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, अगर आप वॉल में टाइल्स अगर लगवा लेते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये भी हम आपको बताएंगे गाइस, ये जो लीज वॉल देख रहे हैं, प्लंबिंग का काम अगर आप करवा रहे हैं तो ज़रूर इसको पहले प्लास्टर करवा लें, उसके बाद प्लंबिंग का काम करवाएंगे तो आपका बेहतर रहेगा। गलती क्या होता है, पहले वॉल कटिंग करने के बाद, देखिए हम प्लंबिंग का काम करते, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही 24 घंटा यहाँ रह के हम ही काम कर सकते हैं, जिसमें हमारे जो लेबर भाई हैं जो काम करते हैं, कहीं कहीं पे क्या होता है, जो डीप जो दीवाल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। डीप हो जाने के कारण क्या होगा, आपका जो ब्रास एल्बो जहाँ पे टैप का पॉइंट रहता है वो अंदर हो जाएगा, तो आपको नल लगाने में एक्सटेंशन निप्पल हो या हैक्स निप्पल हो उसका ज़रूरत पड़ सकता है। इस चीज़ से अगर आपको गाइस बचना है तो सबसे पहले आपको वॉल प्लास्टर करवा के, उसके बाद वॉल में मार्किंग करवा के, हर कुछ का स्टैंडर्ड हाइट जो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत सारे भाई हैं नल का 4 फीट, झरना का 5 फीट, वो सब ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो मार्केट में आपका छवि बहुत अच्छा रहेगा, इसी वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं, आपको वीडियो में दिखाएंगे, मार्किंग करने के बाद फिर वॉल कटिंग होगा, उसके बाद पाइप फिटिंग होगा और आप इसमें हर कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीका से समझाया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम आने वाला हर नॉलेज वाला वीडियो आपके लिए सबसे पहले लेके आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आपको हर कुछ प्लंबिंग के बारे में समझ में आए। तो फाइनली गाइस जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, मैं मार्किंग कर लिया हूं
और आप इसी तरीका से मार्किंग भी आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलेंगे तो मार्किंग नॉर्मली है, आप भी चाहेंगे तो कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मार्किंग करने का भी मैं आपको वीडियो बना के दे देंगे कि मार्किंग कैसे किया जाता है। तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा डाइवेटर है, और ये जो ज़मीन देख रहे हैं इसका जो फाइनल फ्लोर लिए हैं, फाइनल फ्लोर का भी गाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी वीडियो में बताए हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि फाइनल फ्लोर से हाइट कितना होना चाहिए। तो ऐसे तो दोस्तों टाइल्स का जो फाइनल फ्लोर लेके मेरा जो डाइवेटर का जो ये जो देख रहे हैं हाइट है 42 इंची, और स्पाउट का ये जो जगह गाइज आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया 30 इंच, और यहाँ से इधर से पाइपलाइन समझिए कि ये पाइप है, यहाँ से क्रॉस होगा और हमारा डाइवेटर में डायरेक्ट चला जाएगा, और इसी के अपोजिट साइड में 6 इंच 6.5 7 इंच पर आप चाहें तो आप मोटर का भी आप पॉइंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मोटर का भी पॉइंट है, गीज़र का देख रहे हैं गाइस, गीज़र का इसमें नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे गीज़र का दिया होगा। और ऊपर जो देख रहे हैं गाइस फाइनल फ्लोर से जो ओवरहेड शावर है जो आप अच्छे से देख रहे होंगे समझ रहे होंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट या आप ऐसे भी नॉर्मली याद कर सकते हैं 84 इंच रखेंगे वो आपका स्टैंडर्ड हाइट है। और ये देख रहे हैं गाइस ये डायरेक्ट हमारा जो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक हमारा पाइप लाइन, ज़मीन से पाइप ला नहीं सकते हैं, मजबूरन हमको उसको जो कॉलम है कॉलम को काटना पड़ेगा। अब कॉलम काटते समय गाइज आप एक चीज़ का ध्यान रखें, सरिया को ज़रूर बचा लें, क्योंकि मेरा मकान का जो भार रहता है यही कॉलम और प्लंथ बीम पर रहता है। और इसमें जो गाइज देख रहे हैं यहाँ पर एक इसमें मोटर का पाइप आएगा, एक आपका जो हमारा गीज़र का जो पाइप है जो CPVC पाइप है उसका फिटिंग होगा, वो हमारा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, लेफ्ट साइड में होता है हॉट वाटर और राइट हैंड में होता है कोल्ड वाटर, ये हमेशा आप ध्यान में रखेंगे आपका काम अच्छा होगा। और ये जो डायरेक्ट देख रहे हैं इस तरफ से उस वॉल में, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, यहाँ से हमारा जो पाइप होके क्रॉस होके डायरेक्ट वो जो पीछे साइड जो देख रहे हैं उस तरफ निकल जाएगा, और यहाँ जो ये जो लकीर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारा हो जाएगा टैप जो हमारा उड़ीसा पेन इस जगह पे लगेगा। तो इस साइड से हम यहाँ पे 1.5 फीट छोड़े हैं जगह, और इसका जो ऊपर का जो ये देख रहे हैं जमीन से 6 फीट हो जाएगा, ताकि किसी भी कस्टमर को लैट्रिन बाथरूम जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसका जो उड़ीसा पेन का जो टैप है उसका नल 24 इंच 25 इंच आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरफ जो गाइस जो जाएगा हमारा फ्लैश का जाएगा एंगल वॉल का, तो उसका आप कम से कम जो डब्बा जो होता है फ्लैश का सिस्टम का वो आप 24 इंच रखेंगे, वो आपका स्टैंडर्ड हाइट है, कनेक्शन पाइप लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम आपको किचन में ले चल के दिखाते हैं किचन का भी काम कैसे हुआ है। तो गाइस देखिए हम किचन में भी आ चुके हैं, और इस साइड आप देख रहे होंगे इधर से मेरा 2 पाइपलाइन क्रॉस होगा, फिर वहाँ पर हमारा 2-4 हम ज़्यादा कोशिश करेंगे 45 डिग्री एल्बो लगाने का, ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो जगह गाइस देख रहे हैं यहाँ पे मेरा 2 पाइप इस होते इस तरफ से ज़मीन में नहीं दे सकते हैं, चाहते तो ज़मीन भी दे सकते हैं, लेकिन क्लाइंट के डिमांड के हिसाब से मैं ज़मीन में पाइप नहीं दिया, इसी के वजह से हम ऊपर ऊपर पाइप लेके आए हैं। उस तरफ से बाहर से लाने का कोई भी जगह नहीं था, खिड़की वगैरह ज़्यादा ही सब कुछ निकला हुआ था, तो क्रॉस के वजह से हमको ज़्यादा बेंड ना करना पड़े, यहीं पर 4 बेंड हो रहा है, और 2 बेंड जो गाइस देख रहे हैं उस कॉर्नर में 2 बेंड हो रहा है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं और ये जो लाइन पूरा गया हुआ है इसमें आपका एक मोटर का पानी होगा और एक किचन का हॉट वाटर होगा, एक कोल्ड वाटर होगा। इसमें भी समझिए लेफ्ट हैंड में हमेशा होता है हॉट वाटर, राइट हैंड में हमेशा होता है कोल्ड वाटर। ऊपर जो आप देख रहे हैं फाइनल फ्लोर से ये गीजर का पॉइंट दिया गया, इसमें एक मिनी गीजर लगेगा जिसमें एक इसका भी डिस्टेंस दोनों का जो गाइस डिस्टेंस देख रहे हैं ये 6 इंच है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इधर एक बड़ा सेल्बो एक इधर बड़ा सेल्बो लगेगा, तो दोनों का डिस्टेंस 6 इंच है। आरओ का जो गाइस देख रहे हैं इसका 48 इंच पे इसका हाइट दिया गया है, जो यहाँ पे आरओ का एक पॉइंट दिया गया है एडजस्ट करने के लिए। और यहाँ पे हमारा
अच्छा से यहाँ पे लगेगा किचन सिंक मिक्सर, तो यहाँ पे हम चाहते तो 3 पॉइंट लगा भी सकते थे लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, इसी के वजह से यहाँ पे हमको छोड़ना पड़ा। इस जगह पे लगा के हमको एक्सटेंशन निप्पल बढ़ा के थोड़ा आगे करना पड़ेगा, वो भी क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से वो देखा जाएगा। इसका हम आपको जब पाइप फिटिंग होगा, तो ये पार्ट वन वीडियो है, इसका पार्ट टू जो पाइप फिटिंग करेंगे वो हम उसका दिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको वीडियो में हर कुछ का जानकारी मैं दे सकूँ, और अपने भाई का ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करिए, और आप ही लोग के बदौलत बहुत कुछ ऐसा हर नॉलेज वाला वीडियो बनाएंगा। तो ज़रूर भाई का सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, और आने वाला हर अच्छा वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में और कुछ समझाएंगे प्लम्बिंग से रिलेटेड, हर कुछ आपको बताएंगे, न्यू इन्फॉर्मेशन जो भी होगा हर कुछ आपके लिए भाई के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और इसका पाइप फिटिंग भी कैसे होगा वो भी हम आपको बताएंगे। आप ज़रूर है, अगर क्लाइंट इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे प्लम्बर भाई भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आरओ का पॉइंट आप दे दें, लगे चाहे ना लगे उससे कोई मतलब नहीं है, हो सकता है भविष्य में कभी भी लग जाए तो उस समय क्लाइंट को दिक्कत ना हो, किसी चीज़ का तोड़ फोड़ ना करना पड़े, तो आप आरओ और गीजर का पॉइंट जरूर किचन में दे दें। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, और आपको नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। दोस्तों इजाज़त, जय हिंद।